हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। बड़े भाई साहब, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा, सब नंबर गायब, सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चराहुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते हो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतिहानों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल बात रोटी खाई या बात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन प्रेक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद नहीं करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस ज़रा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत, मैं तो इसे ही हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका